किसी भी डेटा को सिलेक्ट करने के लिए, जैसे मुझे आपको वीवी के जरिए डेटा सिलेक्ट करनी है, एक रेंज सिलेक्ट करना है, तो क्या कोड लिखेंगे? तो कोड होगा कि रेंज A1 से लेके जो भी है, जैसे G15 है, तो G15 डॉट सेलेक्ट, तो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसको बोला जाता है एक्सेल मेथड। जब एक्सेल के जो फॉर्मूला आप लगाते हैं तो कुछ इसी तरह का सिलेक्शन करते हैं। अगर VVA मेथड की बात करें तो VVA मेथड में हम स्टार्टिंग और एंडिंग डालते हैं कि A1 कॉमा G15 डॉट सेलेक्ट, तो ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन हो गया, ये आपका एंडिंग पोजीशन हो गया। तो दोनों मेथड है इसके ऊपर। लेकिन हम सिलेक्ट करना चाहते हैं कंट्रोल ए, मतलब कि डायनेमिक सिलेक्शन, कि अपने आप पूरा का पूरा सिलेक्शन हो जाए। जनरली हम लोग इसमें एक्सेल में कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, जो कि करंट रीजन होता है। तो वीवीए में उसका कोड क्या होता है? तो वीवीए में इसका कोड होता है रेंज, स्टार्टिंग का कोई डेटा पार्ट ले लीजिए, जैसे कि हमने A1 ले लिया और यहाँ पे हमने लिखा करेंट रीजन, उसके बाद आप डॉट सेलेक्ट डॉट कॉपी जो भी एक्शन देना चाहते हैं इसके दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आपका कोई रो एंड कॉलन ब्लैंक है तो आपका कंट्रोल ए ब्लैंक से पहले तक चलेगा, ब्लैंक के बाद तक नहीं चलेगा, इसका ध्यान आप रखेंगे। अब बात करते हैं कर्सर मूविंग की, कि मुझे कर्सर ऊपर से सबसे नीचे लेके आना है। जनरली हम एक्सेल में कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करते हैं तो कर्सर नीचे चला आता है, नीचे चला आता है। तो कोडिंग के जरिए कैसे करेंगे? तो कोडिंग के जरिए लिखेंगे रेंज A1 डॉट एंड और यहाँ एक्सेल टू डाउन डॉट सेलेक्ट, डाउन आ जाए। अब डाउन की जगह पे आप बाकी चीजें भी कर सकते हैं, जैसे कि A1 डॉट एंड एक्सेल टू लेफ्ट डॉट सेलेक्ट। लेकिन ध्यान रखिएगा डेटा में अगर ब्लैंक हुआ तो ये वर्क नहीं करेगा। ब्लैंक का मतलब जैसे ये ब्लैंक है तो आपका कर्सर ऊपर से नीचे रुक जाएगा। तो मुझे सबसे लास्ट में डेटा के जाना है, वीवीए कोड की मदद से हमें डेटा के सबसे लास्ट में जाना है। लेकिन प्रॉब्लम है कि ब्लैंक्स है, क्योंकि अगर ब्लैंक ना होता तो हम इस कोड को फॉलो कर लेते, लेकिन बहुत सारे ब्लैंक है इसलिए लास्ट में नहीं जा पा रहा है। तो उसका मेथड है कि मैं यहाँ पे लिखूंगा A 65,000 या 10,00,000, मतलब एक बड़ा सा रोड अमाउंट दे दीजिए, फिर एंड एक्सेल टू अप डॉट सेलेक्ट। ये क्या होगा कि सबसे पहले आपको 65,000 रो पे जाएगा या 10,00,000 जो भी देते हैं, वहां से वो कंट्रोल अप एरो प्रेस करके सबसे ऊपर आएगा, जो कि आपके डेटा का सबसे लास्ट होगा। ओके, अब बात करते हैं सिलेक्शंस की। हम कंट्रोल ए के डेटा को सिलेक्ट नहीं करना चाहते, हम सिलेक्ट करना चाहते हैं कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो के जरिए। तो इसके लिए हम लिखेंगे रेंज A1 कॉमा रेंज A1 डॉट एंड एक्सेल टू लेफ्ट डॉट सेलेक्ट। तो यहाँ पे हमने इस वाले मेथड को फॉलो किया जो कि स्टार्ट और एंड होता है। A1 स्टार्ट कर दिया, अब यहाँ पे एंड हमें पता नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे एक कोड, जो कि एक कोड होता है ना, ए वाली कोड को हमने यहाँ पे फॉलो किया। मतलब हमने यहाँ पे दो कोड को इसके अंदर मर्ज किया, जो कि एंड का जो एड्रेस है वो रेंज को देगा ताकि वो सिलेक्ट हो जाए। तो यहां हमने
ऐड करके ऊपर की वैल्यू सेलेक्ट कर ली, ऊपर वाला रो को सिलेक्ट कर लिया इस कोड के माध्यम से। फिर यहां पे हम लिखेंगे कि रेंज सिलेक्शन, जो सिलेक्टेड है वहां से शुरू करें और सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल डाउन कर ले। जनरली आप वीडियो माइक्रो रिकॉर्ड करते हैं तो डेटा सिलेक्ट करने का यही कोड होता है, तो इस तरह से डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोनों लाइन इकट्ठा जब चलेगा तो क्या होगा, सबसे पहले वो A1 पे जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करेगा और फिर डाउन एरो प्रेस करेगा, जिससे आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर ब्लैंक ना हुआ तो। अब मेरे डेटा में मान लीजिए ब्लैंक्स है और साथ में मैं कंटेंट रीजन मतलब कि कंट्रोल ए नहीं करना चाहता, तो यहां हम दो चीजें करेंगे। पहला हम लिखेंगे यहां पे R इक्वल टू रेंज और यहां हम देंगे A65000 डॉट एंड एक्सलेस आप और यहां पे हम देंगे डॉट रो, उसका रो नंबर हम कहां डाल देंगे, R पे डाल देंगे। देन C अगेन हम करेंगे रेंज XFD1 dot and Excel to right dot colon, तो सबसे लास्ट रो एंड सबसे लास्ट कॉलन मतलब नीचे से ऊपर जाएगा तो लास्ट रो और XFD1 मतलब कि सबसे लास्ट में जाएगा आपके डेटा का और वहां से लेफ्ट में आएगा तो आपका लास्ट कॉलम आ जाएगा। एक्सेल टू लेफ्ट नहीं होगा सर, एक्सेल टू लेफ्ट यहाँ होगा ना सर, राइट हो, ये आपका लेफ्ट हुआ ना, लेफ्ट में गया नहीं, एक्सेल भी राइट में चला गया, एक्सेल भी वन राइट में चला गया, फिर लेफ्ट आएगा ना, नहीं यहाँ से लेफ्ट नहीं, पहले एक्सेल भी वन पे जाएगा वहां से लेफ्ट आएगा, फिक्स कर दिया ना हमने यहाँ पे, डाल दिया ना यहाँ पे, इसके बाद एंड डॉट एक्सेल टू लेफ्ट नहीं होगा, राइट होगा ना सर, लेफ्ट क्यों होगा। एक काम करते हैं रन करके देख लेते हैं क्या ठीक, कंफ्यूज होने से अच्छा है। यहां से एरो निशान लिया और हमने इस वाले कोड को रन किया, ठीक है, देखिए आ गया कर्सर यहां पे, एक काम करता हूँ कर्सर यहां पे MSG बॉक्स के अंदर सी कर देते हैं, ठीक है, और डिबग में आया एफेड और इसको लेके सी पे चला, ठीक है, प्ले किया एक्सेल टू लेफ्ट, 16,364 कॉलम में दे रहा है, ओ XFD1 सही तो है, एक्सेल टू लेफ्ट करते हैं, लेफ्ट हो सकता है, लेफ्ट एंड में कंफ्यूज हो गया हूँ मैं, हाँ सही है, आप सही है, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, तो यहाँ लेफ्ट होगा तो ऊपर में हमारा राइट होगा, ठीक है सर, ठीक है, और यहाँ भी राइट होगा। ओके तो मैंने यहां इस मेथड कोड लगाया जो कि रेंज एक्सलेस अप करके रो लेता है, उसका रो नंबर आर पे स्टोर हो गया और XFD मतलब सबसे लास्ट वाले कॉलम में गया, वहां से लेफ्ट होकर वापस आया जो कि हमें लास्ट कॉलम में उसका सी मिल गया। अब मैंने बताया था कि रेंज को सिलेक्ट करने के दो कोड होते हैं, ऊपर देखेंगे कि रेंज A1 डॉट सिलेक्ट और दूसरा कोड होता है वो होता है आपका सेल्स 1,1 डॉट सिलेक्ट, तो सेल्स जो है वो R1C1 मेथड को वर्क करता है, तो यहां भी सेम इसी तरह से करेंगे कि रेंज स्टार्टिंग पॉइंट होगा A1, एंडिंग पॉइंट पे हम दे देंगे सेल्स R,C डॉट यहां पे डॉट सिलेक्ट, समझ गए, समझ गए, क्लियर है सर, क्लियर। अब बात करते ऑफसेट, ऑफसेट की मदद,
ठीक है। अब यहां हम क्या करते हैं कि एक कोड डालते हैं डॉट डाउन डॉट सिलेक्ट, ये सबसे लास्ट में चला जाता है आपके डेटा के सबसे लास्ट में। लेकिन मुझे डेटा के लास्ट की अगली सेल में जाना है, तो यहां पे हम ऑफसेट का इस्तेमाल करेंगे, ऑफसेट, और यहां करेंगे 0 1 कॉमा 0। तो 1 देखिए आपका रो हो गया और कॉमा आ 0 आपका कॉलन हो गया, तो सीधे ऊपर से नीचे की तरफ आएगा और यहां पे रुक जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि अगर ब्लैंक हुआ तो ब्लैंक हुआ तो हम इसका यूज करेंगे 65000 वाला मेथड का, और इसमें हम देंगे ऑफसेट और यहां देंगे 1,0.select, तो लास्ट सेल की अगली सेल को सिलेक्ट कर देगा। अगर इसी में 0 के जगह पे हम 2 कॉलम कर दिए तो लास्ट सेल की अगली 2 कॉलम को लेके सिलेक्ट करेगा यहां से, समझ गए। अगर मैंने मान लीजिए कि इसमें -5 कर दिया, तो -5 होते ही जहां पे कर्सर है उससे वो 5 कॉलन आगे ऊपर की तरफ जाएगा, तो प्लस आगे की तरफ बढ़ता है और माइनस पीछे की तरफ बढ़ता है। क्लियर है, बिल्कुल कोई डाउट सर आप लोगों को, किसी को डाउट? नहीं सर। नहीं सर, सर ये चलिए अभी अभी माइनस माइनस ये ये 64 सिक्सटी के फोर ऊपर के नहीं, ऊपर आई नहीं, थिंक 33 33 के के ऊपर ऊपर जाएगा ना, ना, मतलब माइनस में माइनस गया, पे गया। हाँ, तो क्योंकि यहाँ पे आके रुकेगा, सी रुकने के बाद यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 10 पे आएगा, क्योंकि तो 0 से काउंट शुरू करता है। हाँ, हाँ, लेकिन ये लेकिन ये सी सी टू है टू ना, है ना, तो टू 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 के के राइट राइट में जाएगा ना, में। इतना हाँ, फिर अगली कॉलन रो एंड यहाँ पे कॉलम है आएगा ना और अभी। यहाँ पे आएगा सर, 74। हाँ 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 ठीक है, यस। अब ये हो गई हमारी। अब अगला बात हम अगली टॉपिक करते हैं, मल्टी सेल सिलेक्शन। मल्टीपल सेल सिलेक्शन जो हम लोग कंट्रोल प्रेस करके जनरली सिलेक्ट करते हैं ना, इस तरह से कंट्रोल प्रेस किया, क्लिक कर दिया, क्लिक कर दिया, तो मल्टी सेल सिलेक्शन के लिए हम वीवीए में कोड क्या लिखेंगे? तो वीवीए में कोड लिखने के लिए आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी मल्टीपल सेल्स आपको लेना है उसको कॉमा कॉमा करके आप लिख दीजिए, सिंपल सा, वो सेल आपका सिलेक्ट हो जाएगा। मल्टी सेल सिलेक्शंस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जनरली हम कंट्रोल का यूज करते हैं। तो आज की अभी तक जो हमने क्या कर लिया, रेंज में हमने आपको बताया कि रेंज को कॉल करते हैं, रेंज के ऊपर कैसे वैल्यू टाइप करते हैं, एक्सेल फॉर्मूला कैसे टाइप करते हैं, और जो हम कर्सर को जो कंट्रोल और डाउन एरो से ऊपर अप करते हैं, या कोई एरिया को डायनेमिक सिलेक्ट करना है, उसके सारे मेथड हम आपके साथ डिस्कस कर लिए। और कल मैंने एक फॉर्म का लिंक दिया था वीडियो, शायद आप लोगों ने देखा होगा। कल उस लिंक पे कल हम डिस्कस करेंगे, उस लिंक को कंप्लीट करने के बाद फिर हम रेंज की फॉर्मेटिंग के बारे में जानेंगे।